तिलक का मोद खमाज ठाट का खाडव संपूर्ण यानी आरोह में छह और अवरोह में सात सुरों का राग है। इस राग में दोनों निखार लगाए जाते हैं। आरोह में धेवत का सुर वर्जित है, वादी खरज और संवादी पंचम है। गाने का वक्त रात का दूसरा पहर है। इस राग की शक्ल सोरठ और देह से इतनी ज्यादा मुशाबहत रखती है कि इसे इन दोनों रागों से बचाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आजकल गायक तिलक कामोद को सिर्फ तीवर निखार से गाने लगे हैं। इससे सोरठ और देह अलग तो हो जाते हैं, मगर ये राग खमाशाट से निकल जाता है। अच्छे गाने वाले अवरोह में कोमल निखात और धेवत को ज्यादा वाजे नहीं करते और अक्सर सा से पा तक की एक लंबी मीन में इन सुरों को छुपाकर समेट लेते हैं। ये लंबी नींद तिलक कामोद का खास अंग है। अवरोह में रिखब का सुर वक्र होकर लगता है और इस तरह गंधार से खरज पर आना बहुत अच्छा मालूम होता है। रिखब को कमजोर रख के और गंधार को वाजे करके सोरठ की छाया हट जाती है। पकड़ सापा धामा गा सारे गाथा, आरोह सारे गाथा रेमा पानी सा, अवरोह सा नी धापा धामा गा सारे गाथा। Oh,